टाइटेनिक जहाज में जनता का शुरू से ही जबरदस्त इंटरेस्ट रहा है। टाइटेनिक पर वो सब कुछ था जितना उस वक्त एक पैसे वाला व्यक्ति कल्पना कर सकता था। इसमें लोगों का इंटरेस्ट हो भी क्यों ना, इंसान ने ये चीज ही ऐसी बनाई थी। आज हम बात करेंगे उस टाइटेनिक की जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस नॉलेज में। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की रोचक जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए जानते हैं टाइटेनिक के बारे में। जब टाइटेनिक बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज थी। यह 882 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की हर इमारत से ऊंचा होता। टाइटेनिक जहाज का पूरा नाम था RMS टाइटेनिक, यानी RMS स्टैंड्स फॉर रॉयल मेल शिप। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। टाइटेनिक जहाज नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों के टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीनों बाद 21 मई 1911 को यह बनकर तैयार हुआ। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोगों की मौत हुई। 21 मई 1911 को जब यह पूरा बनकर तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए 1,00,000 लोग आए थे। 1912 में टाइटेनिक बनाने वाले कुशल कारीगरों को एक हफ्ते के $10 व अकुशल कारीगरों को एक हफ्ते के $5 मिलते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटेनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुआ। यह रास्ते में 2 जगह रुका, पहला चेरबर्ग नॉर्थ फ्रांस में और दूसरी जगह कोब आयरलैंड में। सफर के 4th दिन यह उत्तरी अटलांटिक सागर में एक हिम पर्वत से टकरा गया। तब यह जमीन से 640 किलोमीटर दूर था। इतिहास में टाइटेनिक अकेला ऐसा जहाज है जो आइसबर्ग यानी हिमखंड के टकराने से डूबा। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटेनिक उत्तरी अटलांटिक सागर में बर्फ के एक बड़े से टुकड़े से टकराया था। टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद यह पूरी तरह डूब चुका था। इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे समुद्र की आखिरी सतह तक पहुंचने में मात्र 15 मिनट लगी। जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए महज 37 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मर्डोच ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने का और इंजन रूम को इंजन रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया और जहाज को लेफ्ट मोड़ भी दिया गया था, लेकिन ये उस आइसबर्ग से बचने के लिए काफी नहीं था। यदि 30 सेकंड और पहले पता लग जाता तो शायद टाइटेनिक को बचाया जा सकता था। आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता लेकिन टाइटेनिक के क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। ये एक लॉकर में रखी थी जिसकी चाबी गुम हो गई थी। जब टाइटेनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे तब कैलिफोर्निया नाम का जहाज उसके सबसे नजदीक था, लेकिन टाइटेनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग खराब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्निया का रिप्लाई आ जाता तो और ज्यादा जान बचाई जा सकती थी। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे ताकि वो और कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। टाइटेनिक जहाज पर डूबने वालों में सबसे ज्यादा पुरुष थे क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में कुछ समझदार लोग निकलकर आगे आए और लोगों को कश्तियों में बैठाते समय महिला और बच्चे पहले ये प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। जहाज पर मौजूद 9 कुत्तों में से 2 कुत्ते भी जिंदा बचा लिए गए थे। लाइफ बोट फर्स्ट क्लास के टिकट लेने वाले लोगों के सबसे नजदीक थी, इसीलिए फर्स्ट क्लास के 60%, सेकेंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% यात्री जिंदा बच पाए। टाइटेनिक को 64 लाइफ बोट यानी छोटी कश्तियां ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 20 लाइफ बोट ही ले जाई गई। ये सभी लोगों को बचाने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन यदि सभी लाइफ बोट पूरी तरह से भर दी जाती तो 1178 लोगों की जान बचाई जा सकती थी जबकि 706 ही बच पाए। कारण ये रहा कि कुछ कश्तियां थोड़े से लोग ही लेकर भाग गए। जैसे लाइफ बोट एक में 40 लोग आ सकते थे लेकिन 7 क्रू मेंबर
और 5 पैसेंजर इसे लेकर भाग गए। वैसे ही लाइफ बोट साथ में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन इसे भी 24 लोग ही लेकर चल दिए। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहां पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिससे कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 2,222 लोग सवार थे, जिसमें से 1,314 यात्री और 908 क्रू मेंबर थे। इनमें से 1,500 से ज्यादा आदमी डूब गए और 706 बच गए। अभी तक इनमें से 337 लोगों की ही लाशें मिल पाई हैं। टाइटैनिक के यात्रियों के पास कैश, ज्वेलरी समेत $60,00,000 का सामान था। 13 नवविवाहित जोड़े टाइटैनिक पर हनीमून मनाने के लिए आए थे। टाइटैनिक के बोट पर हर दिन अटलांटिक डेली बुलेटिन समाचार पत्र प्रकाशित होता था। इसमें न्यूज विज्ञापन, स्टॉक की कीमतें, घोड़ों की रेस के परिणाम से लेकर दिन के मेन्यू तक सब कुछ छपता था। टाइटैनिक में लगी सिटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 39,000 किलो मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 1,590 किलो प्याज, 36,000 सेब मौजूद थे। जहाज पर हर रोज 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। फुल लोड होने के बाद टाइटैनिक का वजन 46,326 टन था, करीब 4,63,26,000 किलो। इतने वजन के बावजूद भी यह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। टाइटैनिक पर एक दिन में 600 टन यानी 6,00,000 किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से ये कोयला भट्टी में डालते थे। हर 24 घंटे में 1,00,000 किलो राख समुद्र में बहाई जाती थी। जहाज का इंजन 46,000 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करता था। यह बोइंग 777 विमान के इंजन की आधी है। टाइटैनिक की 4 चिमनियां थी, इनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था, चौथी चिमनी नकली थी। ये जहाज की ओर मजबूत व खूबसूरत दिखाने के लिए लगाई गई थी। दिन 1 सितंबर 1985, आखिर डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ ही लिया गया। यह समुद्र में 12,600 फीट की गहराई पर मिला। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं और इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए थे। जिस आइसबर्ग की वजह से टाइटैनिक डूबा वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से अलग होकर आया था। यह 100 फीट ऊंचा था। टक्कर के 2 हफ्ते बाद यह भी नष्ट हो गया, क्योंकि इसको भी काफी नुकसान पहुंचा था। टाइटैनिक के डूबने के साथ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगा था, क्योंकि इसमें सफर करने वाले सबसे ज्यादा अमीर आदमी इंग्लैंड के थे। जॉन जेकब एस्टर चौथे जो जहाज पर सबसे अमीर आदमी था, वह भी इंग्लैंड का ही था। उस समय उसकी कुल संपत्ति $85 मिलियन थी। 1997 में एक मूवी आई थी टाइटैनिक, जिसका बजट टाइटैनिक जहाज से भी ज्यादा था। जहाज को बनाने में $75,00,000 यानी करीब 48 करोड़ रुपए, जबकि मूवी को बनाने में $20 करोड़ यानी करीब 12 अरब रुपए का खर्च आया था। यह फिल्म कमाई के मामले में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है अवतार। टाइटैनिक फिल्म ने $2 अरब की कमाई की। इतने पैसों से आज 5 टाइटैनिक बनाए जा सकते हैं। टाइटैनिक फिल्म ने 11 ऑस्कर अवार्ड जीते, लेकिन एक्टिंग के लिए इनमें से एक भी नहीं है। मिलविना डीन टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाली आखिरी जिंदा इंसान थी। ये भी 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में मर गई। यह टाइटैनिक पर सबसे छोटी थी और इसकी उम्र 2 महीने थी। टाइटैनिक क्रैश होने के बाद जो जापानी बच गए थे उनके परिवार को जापान के लोग आज भी कायर कहते हैं, क्योंकि वो उनके पूर्वज अन्य लोगों के साथ नहीं मरे। टाइटैनिक के टट्टी घर का पोर्ट भी निकाल आए तो लाखों में बिकता है। 31 मार्च 2012 को टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास का मेन्यू 62,00,000 में बिका। टाइटैनिक में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसमें सफर नहीं करना चाहते थे। दरअसल कोयले की कमी के कारण इसकी कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने ओशियनिक और एड्रियाटिक नाम के 2 जहाजों की यात्रा रद्द करनी पड़ी थी, और इन दोनों जहाजों के यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया गया था। टाइटैनिक जहाज की टिकट का रेट कितना था?
फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास के लिए क्या क्या फैसिलिटी थी, आइए जानते हैं। टाइटेनिक में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए उस समय $4,350 यानी करीब 2,70,000 रुपए चुकाने पड़ते थे। सेकेंड क्लास के लिए $60 यानी करीब 4,000 रुपए और थर्ड क्लास के लिए $30 यानी करीब 2,000 रुपए की रकम चुकानी पड़ती थी। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए 20,000 बियर की बोतलें, 1,500 शराब की बोतलें व 8,000 सिगार थे। जहाज पर दो लाइब्रेरी थी, एक फर्स्ट क्लास के लिए व एक सेकेंड क्लास के लिए। इतने बड़े जहाज पर केवल 6 टॉयलेट थी। थर्ड क्लास के 700 यात्रियों के लिए केवल 2 बाथरूम थी और थर्ड क्लास के यात्रियों को हर समय इंजन की तेज आवाज सुनाई देती थी। तो ये तो फ्रेंड्स टाइटेनिक जहाज से जुड़े गजब के रोचक तथ्य। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।